उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में आईवी इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद में दीपावली के पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सभी कक्षाओं में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया, जिसमें रंगोली, दिया मेकिंग, थाल मेकिंग, बंधनवार, दिया सज्जा आदि सजावट संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूल के सभी बच्चे पारंपरिक व सांस्कृतिक वेशभूषा में आई। कुछ बच्चों के द्वारा दिवाली के अवसर पर भाषण दिया गया, जिसमें दिवाली का विस्तार वर्णन किया गया। स्कूल के प्रबंधक श्री मनोहर सिंह एवं प्रिंसिपल श्रीमती नंदिनी यादव ने सभी बच्चों एवं अभिभावकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी को दीपावली पर पॉल्यूशन मुक्त दिवाली मनाने का संदेश दिया एवं मिट्टी के दीयों से घर को सजाने के लिए कहा। इस अवसर पर स्कूल से नूपुर केदारिया, सोनिया अग्रवाल, डीके उपाध्याय, सपना भटनागर, सोनिया जैन, नारायण यादव, जेवा जमील, चारू गोयल आदि अध्यापक गण मौजूद रहे। फिरोजाबाद से संवाददाता अमित पारासर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। Sheikh Samira and I study in grade 7th B in IV International School. Through this video, all I want to say that have a safe and a happy Diwali. In this Diwali, we should have an eco-friendly Diwali. All I want to say is that have a great and a happy Diwali. Thank you. Samriddhi Gupta. किस तरह का बनाया आपने, क्या बनाया है? मैंने बंधनवार बनाया है। कौन सा स्कूल है? IV International School और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या क्या बनाया है और लोगों ने? और ये सब बंधनवार बना रहे हैं और क्लासों में मतलब दिया डेकोरेशन, थाली डेकोरेशन, रंगोली ये सब बन रहा जा रहा है। दीपावली के शुभ अवसर कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, इस दिन सब लोग मतलब क्रैकर्स वगैरह जलाते, पटाखे, दिया जलाते हैं, अपने घर को सब सजाते हैं, पेंटिंग वगैरह कराते हैं। मेरा नाम वंश उपाध्याय, आईवी इंटरनेशनल स्कूल, कक्षा 8। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि हमें दीपावली दिया और कैंडल्स के प्रयोग से मनानी चाहिए, बल्कि हमें पटाखों का बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे हमें हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुँचता है और क्या कहते हैं, हम लोग को भी चोट लग सकती है। इसलिए आप इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए और खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ। स्कूल में प्रोग्राम किया जा रहा है जी, परसों दिवाली है और आज इसीलिए स्कूल में दिवाली से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे दिया होता है या थाली होती है, बंधनवार होता है, तो आज इन्हीं चीज़ों को लेके रंगोली होती है, तो यही सारी जो आज क्लासेस में बच्चों के द्वारा ही सारी एक्टिविटीज़ कराई गई, जहाँ पे बच्चों ने बहुत खूबसूरत दिए बनाए हैं, रंगोली बनाई है, बंधनवार बनाए हुए हैं, जो पूजा की पूरी थाली बनती है उसे बनाया हुआ है, तो पूरा दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है। दीपावली को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे? आज मेरा सिर्फ यही, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश मेरा बस यही है, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्रैकर्स चलाने का, फुलझड़ी चलाने का या जितनी भी आतिशबाजी है करने का शौक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी वजह से उस दिन जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप चलाएं, लेकिन उसको जो है कम से कम, जितना उसका कम से कम इस्तेमाल हो सके वो किया जाए, ताकि जो प्रदूषण है, जो हमारा वातावरण है वो थोड़ा सा साफ रहे, स्वच्छ रहे। क्योंकि उस दिन मैं कई सालों से मैं ये महसूस करती हूँ कि जब भी दिवाली होती है उस दिन जब भी हम सांस लेते हैं तो एक अजीब सी उसमें एक स्मेल होती है धुएं में, तो वो बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, सभी के लिए बहुत हानिकारक है। तो जो भी बच्चे हैं वो सेलिब्रेशन करें, बड़े बुज़ुर्ग जितने भी लोग हैं, दिवाली आप लोग मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, और जितना हो सके भाई क्रैकर्स, फूलझड़ी, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, बस मेरा यही अनुरोध है मेरी सभी से। हम लोग जो है चाइना का लाइट्स वगैरह हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत चीप हो जाती है, ठीक है वो भी अपना एक पार्ट है, लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है कि कुछ ना कुछ दिए ज़रूर खरीदें, क्योंकि वो हमारी परंपरा है, दिए हमारी चीज़ है जो हमारे यहाँ की बनी हुई